अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आए हैं। मसाला पॉट बहुत ही मज़े का बनता है। पहले तो हमने पॉट 500 ग्राम उन्हें नमक और लहसुन साबुत वाला डाल के तो बॉयल होने के लिए रख दिया है, और दो प्याज और हाफ प्याली ऑयल उसमें फ्राई कर रहे हैं। प्याज जब फ्राई हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टी स्पून डाल दें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। पोट जो है उनको तकरीबन तकरीबन 15 मिनट के लिए बॉयल होने देना है ताकि वो अच्छे से गल जाए, और उतनी देर हम मसाला रेडी कर लेते हैं। प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट इन्हें फ्राई कर रहे हैं। अब हमने इसमें 6 अदद टमाटर वो स्लाइसेस में कट करके डाल लिए। अब एक हाफ चम्मच से भी थोड़ा कम नमक, हल्दी 1 छोटा चाय का चम्मच, लाल पिसी हुई मिर्च 1 छोटा चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 छोटा चाय का चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 छोटा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 छोटा चाय का चम्मच। इनको अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और प्याज वगैरह सारे मसाले अच्छे से भुने जाएं। अब हमने पॉट जो बॉयल किए हुए हैं उनको डाल रहे हैं मसाले में। लहसुन देखिए अभी साबुत है, लेकिन हम इतनी देर इसको भुनेंगे ये सारी चीज़ें अच्छे से मसाला भुन जाए और कोई चीज़ नज़र ना आए, लहसुन टमाटर वगैरह इस तरह। चम्मच चलाते जाएं और इसे अच्छे से भूनते जाएं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और मैंने इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था ढक्कन साथ। अब दोबारा से इसे कवर कर देंगे, जब पानी ख़त्म हो जाए तो फिर इसे दोबारा से भून लेंगे। ये देखें पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, अब हम इसे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। नमक हमने इसमें कम डाला था क्योंकि हमने पॉट जब बॉयल किए थे तब भी नमक ऐड किया था, इसलिए इस लिहाज से आप नमक डालेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन गई है और कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, सारी अच्छे से हमने भून ली है और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी रेडी होती है। लुक चेक कर लें कि इतनी देर आपने भूना है कि ऐसे मसाला और घी अलग नज़र आए। एंड पे हम इसमें ड्राई कसूरी मेथी डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच, इसे हाथ से अच्छे से मसल के और डाल दें, मिक्स करें 5 मिनट के लिए तकरीबन। इसे कवर कर देंगे, ये लें 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ज़ीरा इसे हाथ साथ मसल के वो डाल देंगे ताकि खुशबू बहुत ही अच्छे से आने लग जाए। ड्राई मेथी की तो वैसे ही कसूरी मेथी की तो आ रही होती है, लेकिन ये इसकी अपना जायका होता है। ये लें डिश आउट कर दिया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मुझे अपने दुआओं में याद रखें, मुझे और मेरी फैमिली को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।